गाइस हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज के केस में वो है यहाँ पे जूम एंड फ्लिप का ऑप्शन। अगर आप वीडियो लेते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको जो है ये ऑप्शन मिलेगा देखने को, तो इसके अंदर देख लीजिए यही सारे ऑप्शन हैं, ये दो ऑप्शन हैं। तो बेहतर ये होगा कि मैं वीडियो क्लिप यहाँ पे ले लूँ। मैं फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये क्लिप, ओके, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये है हमारे पास रोटेशन एंड मिररिंग। मिररिंग बेसिकली फ्लिप को बोलते हैं ना, तो इसके अंदर आ जाते हैं और ये हमारे पास मिररिंग है, मतलब फ्लिप करना हो बेसिकली, ये अभी इधर की तरफ है, आपको इधर की तरफ करना हो तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। देख लीजिए ये हमारा फ्लिप हो गया है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को जो है वो फ्लिप कर सकते हैं ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है। तो देख लीजिए अब ये चीज़ इधर आ गई। तो आपको इमेज को वीडियोस वगैरह को सही करने के लिए, थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने के लिए जो है आप रोटेट एंड मिररिंग का जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 90 डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो लिमिटेशन है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर क्लिप के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप यहाँ पे लेयर्स में जो क्लिप डालेंगे उसके लिए जो है वो ऑन स्क्रीन ऑप्शन होगा, जो कि आगे अभी हम लोग देखेंगे। ये सारी चीजें मास्टर क्लिप जो होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है उसी के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये है हमारे पास रोटेट एंड मिररिंग का जो है वो ऑप्शन। गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लिप ग्राफिक्स का। इसके अंदर आपको जो है काफी सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डायरेक्टली जो है वो अपने फुटेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास हर्ट फ्रेम्ड, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए आप। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास अप्लाई हो गया और ये काफ़ी अच्छा सा एनिमेशन जो है हमारे पास आ गया। वैसे यहाँ पे हर्ट है, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल लुकबुक फ्रेम, ये इस तरीके से हमारे पास ये फ्रेम आ गया। और साथ ही जिसमें भी टेक्स्ट वगैरह होगा तो टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड भी जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो जो भी आपको टेक्स्ट डालना हो वो आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट आ गया। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है काफ़ी सारे, एक्चुअली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके स्टोर से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह के एनिमेशंस वगैरह भी जो है वो मिल जाएंगे जिन्हें आप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होंगे वो भी आपको साइड में मिल जाएंगे। तो जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ पर हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। तौसिफ खालिद, सिर्फ खाली यहाँ से फॉन्ट चेंज करना हो, आपके पास काफ़ी सारे फॉन्ट हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, ओके ओके। और ये तौसीफ खालिद, कलर वगैरह चेंज करना हो आप यहाँ से जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ग्राफिक्स जिसे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, देख लीजिए ये हमारे पास क्लिप ग्राफिक्स। तो काफ़ी सारे टैम्पलेट्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इंट्रो है हमारे पास यहाँ पे, तो इनमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे डायरेक्टली जो है आप अपने क्लिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, रेडीमेड टैम्पलेट्स है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो अगर आप कुछ स्टाइल देना चाहते हैं अपनी वीडियोज़ को तो आप जो है क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर आप अपनी वीडियो में स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है। तो सिंपली इस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये हमारे पास स्पीड, और टॉप में ही आपके पास कुछ प्रीसेट हैं, एक गुना, मतलब बेसिकली ये डिफॉल्ट होगा, जो नॉर्मली हर क्लिप का जो स्पीड होता है वो 1 होता है, और उसके बाद ये 4 गुना, 8 गुना, या फिर आप मैनुअली जो है वो यहाँ से ये कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 4 गुना फास्ट करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ओके, और ये हमारा देख लीजिए कितना ज़्यादा फास्ट हो गया, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया स्पीड। और डिफॉल्ट करना हो तो हम सिंपल 1 कर देंगे, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए शूट किया है, ओके। फिर वैसे ही अगर हमें इसे स्लो करना हो तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, हम क्या करेंगे इसको बैक की तरफ ले जाएंगे, ओके। अब ये क्या होगा, ये बेसिकली हमारा स्लो हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0.5,
ओके तो आप सिंपल जो है यहाँ पे प्रीसेट जो है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम वन से आगे की तरफ जाएंगे तो हमारा वीडियो फास्ट होगा, और अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा वीडियो जो है वो स्लो होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, लाइक दो, और उसके बाद उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि लाइक आपको जो है म्यूट करना है ऑडियो को, या फिर की पिच, पिच जो है उसको आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल वो जो फास्ट वाला होता है वो आप रखना चाहते हैं। अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, सिंपल ऑडियो किसी तरह का जो है वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पिच है हमारे पास, पिच को जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये है सिंपल स्लो मोशन और फास्ट मोशन। वन हमारा डिफॉल्ट होता है, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा फास्ट होगा, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा जो है वो स्लो होगा। तो ये है आपका स्लो मोशन और फास्ट मोशन। आप स्पीड कंट्रोल करके अपनी वीडियो को स्लो और फास्ट कर सकते हैं।